जमात चाहरुम मजमून मिराजी सबक नंबर 11 पैमाइश। इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पैमाइश इस सबक में हम कमियत वजन इन इकाइयों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जब हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, जैसा अनाज है, फल है, फ्रूट है, सब्जियां है, तो आपने देखा होगा कि दुकानदार हमें जो है वजन की मदद से जो है वो चीजों को जो गिनकर देते हैं। जैसे ये 1 किलो का बाट है, 1 किलो का वजन है, इसी तरीके से ये 500 ग्राम का बाट है, आधा किलो का वजन है। इसी तरीके से आपको पता होगा कि ये जो छोटे बाट है 200 ग्राम का बाट है, 200 ग्राम का वजन है, ये 100 ग्राम का बाट है, 100 ग्राम का वजन है, इसी तरीके से ये 50 ग्राम का बाट है, यानी 50 ग्राम का ये वजन है। बाजार से जब हम चावल, गेहूं, शक्कर वगैरह जो चीजें खरीदते हैं, तो ये ज्यादा मिकदार के अंदर खरीदते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार बड़े वजन का इस्तेमाल करता है, 5 किलो का वजन, 10 किलो का वजन, 15 किलो का वजन, 20 किलो का वजन। मगर जब हम दुकान से मसाले वगैरह खरीदते हैं, तो इन मसालों को गिनने के लिए दुकानदार जो है इन छोटे वजनों का जो इस्तेमाल करता है, जैसे 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, इन छोटे वजनों का जो दुकानदार इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे यहां पर के ग्राम, किलोग्राम, यहां पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के, यानी 1 किलोग्राम जो कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है। अगर अकरम की अम्मी ने अकरम को कहा कि बेटा आप बाजार जाओ और बाजार से 1.25 किलो जो है शक्कर जो है खरीद कर लाओ, तो दुकानदार जो है कौन कौन से वजन का इस्तेमाल करेगा, तो दुकानदार जो है सबसे पहले 1 किलो का यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, यानी 1 किलो बराबर कितने ग्राम, तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। इसी तरीके से हम देखेंगे कि फिर वो जो है 200 ग्राम का इस्तेमाल करेगा, यानी 1 किलो 1000 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 50 ग्राम। अब हम देखेंगे कि 1000 में अगर कभी हमने 200 मिलाए तो कितने हो गए ये 1200 ग्राम, 1200 ग्राम में अगर हमने 50 ग्राम मिलाए तो ये हो गए 1250 ग्राम। यानी दुकानदार जो है अकरम को 1.25 किलो शक्कर देने के लिए जो है ये 3 तरीके के बाट का जो इस्तेमाल करेंगे, 1 किलो, 200 ग्राम, 1 किलो, 200 ग्राम और ये 50 ग्राम, यानी 1.25 किलो शक्कर नापने के लिए, 1.25 किलो शक्कर जो है तोलने के लिए, गिनने के लिए जो दुकानदार इन 3 वजन का जो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी जो है वो आधा किलो के 2 वजन का इस्तेमाल कर सकता है, 200 ग्राम भी 1 वजन का और 50 ग्राम भी 1 वजन का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर दुकानदार जो है 1-1 किलो के 1 वजन के साथ साथ जो है वो 100 ग्राम के 10 वजन का इस्तेमाल कर सकता है, 100 ग्राम के 10 वजन यानी 1 किलो के बराबर होंगे, 200 ग्राम का 1 वजन और 50 ग्राम का 1 वजन, है कि नहीं। इसे हम देखेंगे कि बानू की अम्मी ने बानू को कहा कि बेटा आप दुकान से जाओ और 1/2 किलो जो है चावल जो है दुकान से खरीद कर लेकर आओ। तो बानू जब दुकान पर गई चावल खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने जो है चावल जो है बानू को अंदाजे नहीं दिया। आपको पता होगा कि जब हम दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो वो चीजें हमको अंदाजे नहीं मिलती, बल्कि तराजू की मदद से जो है गिनकर मिलेंगे। दुकानदार ने जो है बानो के कहने के ऊपर जो है 1/2 किलो का वजन एक पैड लेकर रखा और 1/2 किलो चावल जो उसने उसको किस तरह गिनकर दिए, तराजू की मदद से जो उसने 1/2 किलो दुकानदार ने उसको चावल गिनकर दिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दुकानदार ने जो है 1/2 किलो चावल गिनने के लिए जो है कौन से वजन का जो इस्तेमाल किया, तो दुकानदार ने 1/2 किलो चावल गिनने के लिए जो है 1/2 किलो के 1 नाप का जो इस्तेमाल यहाँ पर किया, ये 1/2 किलो 500 ग्राम के जो है बराबर होता है। इसी तरीके 500 ग्राम ये कितना हुआ हमारा, तो 500 ग्राम ये 1/2 किलो हुआ, यानी 1/2 किलो बराबर ये 500 ग्राम होगा। बानो के कहने के ऊपर दुकानदार ने जब उसे 1/2 किलो चावल दिया, तो एक पल्ले पर उसने 1/2 किलो का नाप रखा और 1/2 किलो उसने उसे चावल जो है गिनकर दिया।